हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव जी की तरफ से एक साथ ही 342 नई ट्रेनें चलाने का जो बड़ा ऐलान है, जो बड़ी घोषणा है, वो उसको करी गई है। वहीं दोस्तों, ये जो 342 नई गाड़ियां हैं, ये कहां चलेंगी एंड यहां पर किस वजह को ध्यान में रखते हुए इतना बड़ा फैसला लिया गया है रेल मंत्री जी के द्वारा, ये सारी चीजें रेल मंत्री जी ने खुद बताई है। एंड यहां पर सच में बहुत बड़ा खेप होगा नई ट्रेनों को लेकर, क्योंकि यहां पर 100-200 नहीं, यहां पर एक साथ ही 342 नई ट्रेनें रेल की पटरी पर उतरने जा रही है। और मैं आपको पूरा डिटेल में बताऊंगा कि ये जो गाड़ियां हैं वो कहां चलने वाली है और आखिर क्या वजह है कि इतना जो बड़ा फैसला है वो रेल मंत्री जी ने लिया है, सब कुछ आपको बताऊंगा इसी वीडियो में। इसलिए वीडियो को ध्यान से देखते रहिए और अभी से इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी दोस्तों, आइए शुरू करते हैं आज की डिटेल वीडियो को। तो दोस्तों, जब से सितंबर महीने की शुरुआत हुई है, तब से एक के बाद एक जो बड़े बड़े खुशखबरी है वो हमें रेलवे की तरफ से देखने को मिल रहे हैं। एंड आपने रिसेंटली देखा ही होगा कि 1 सितंबर को मोस्ट वेटेड हमारी देश की जो पहली वंदे स्लीपर गाड़ी है, इसका भी जो पहली झलक है, इसका भी जो पूरा टूर है, वो रेल मंत्री जी ने पूरे देश को करा दिया। और अब हमारी वंदे स्लीपर गाड़ी भी देश में रफ्तार भरने वाली है। और इसके बाद दोस्तों, ये जो बड़ा अपडेट है 342 नई गाड़ियों को लेकर, वो भी यहाँ पर रेल मंत्री जी ने दे दिया है। वहीं दोस्तों, ये जो 342 नई गाड़ियां हैं, इनको उतारने का अचानक इतना बड़ा फैसला रेल मंत्री जी ने लिया है, इसके पीछे का भी जो रीजन है वो काफी ज्यादा बड़ा है, काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आइए दोस्तों, थोड़ा और डिटेल में समझते हैं इस पूरे अपडेट को। तो एक्चुअली दोस्तों, केंद्रीय रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव जी ने गणेश चतुर्थी के मौके पर 342 स्पेशल गाड़ी चलाने का जो बड़ा ऐलान है उसको कर दिया है। वहीं दोस्तों, आने वाले 7 सितंबर से शुरू हो रहे गणपति उत्सव के मौके पर भारतीय रेलवे इन स्पेशल गाड़ियों के जो संचालन है वो करने वाली है। एक्चुअली गणपति उत्सव के मौके पर मुंबई से बड़ी संख्या में जो लोग हैं, जो श्रद्धालु हैं, वो कोंकण जाते हैं, जिसके चलते एक्स्ट्रा ट्रेन सर्विस की जो जरूरत है वो हर साल पड़ जाती है। वहीं शुरुआत में 300 ट्रेनों की जो मांग है वो की गई थी, लेकिन अब रेलवे ने भीड़ को ध्यान में रखते हुए इन ट्रेनों की संख्या बढ़ाकर 300 से 342 कर दिया है और अब ये 342 ट्रेनें चलने वाली है। वहीं गणेश उत्सव के मौके पर चलाई जाने वाली इन स्पेशल ट्रेनों का जो ऐलान है वो मुंबई के बांद्रा टर्मिनस से गोवा, गोवा में मडगांव तक चलने वाली नई बाई वीकली ट्रेन सर्विस के लॉन्च के समय किया गया। इस मौके पर केंद्रीय वाणिज्य मंत्री और स्थानीय सांसद श्री पीयूष गोयल भी मौजूद थे। इस नई बाई वीकली ट्रेन सर्विस से मुंबई के पश्चिमी उपशहरों और कोंकण क्षेत्र के बीच जो कनेक्टिविटी है उसको पहले से काफी बेहतर किया जा सकेगा। वहीं फेस्टिवल में होने वाले लोगों की भीड़ के अलावा रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव जी ने मुंबई के सब अर्बन रेल नेटवर्क में किए जा रहे जो इंफ्रास्ट्रक्चर सुधार पर भी जोर दिया है। 16,240 करोड़ रुपए की लागत से पूरे होने वाले 12 बड़े प्रोजेक्ट से यात्रियों को कई फायदे मिलेंगे। इन बड़े प्रोजेक्ट्स में CSMT कुर्ला की 5th और 6th लाइन और मुंबई सेंट्रल बोरीवली 6th लाइन और पनवेल करजट सब अर्बन कॉरिडोर शामिल है। वहीं अश्विनी वैष्णव जी के अकॉर्डिंग महाराष्ट्र के रेलवे नेटवर्क के लिए 2024-25 के बजट को बढ़ाकर 15,940 करोड़ रुपए किया गया है, जबकि 2014 में एकमात्र 171 करोड़ रुपए था। दोस्तों, पिछले एक दशक में राज्य में 1830 किलोमीटर नए रेल ट्रैक बिछाए गए हैं, जो कि श्रीलंका के जो टोटल रेलवे नेटवर्क है उससे भी ज्यादा है। वहीं छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस यानी कि CSMT और 318 रेलवे फ्लाईओवर और अंडरपास के बनने से महाराष्ट्र की जो रेल इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको और भी ज्यादा यहाँ पर गति मिलेगी। वहीं यहाँ पर सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट बात यह है कि जो 342 नई गाड़ियां हैं इनको लेकर बड़ा ऐलान कर दिया है रेल मंत्री जी ने। और यहाँ पर गणपति महोत्सव को ध्यान में रखते हुए जो 342 गाड़ियां हैं इनको रेलवे चलाने वाली है। हालांकि ये बहुत ही लिमिटेड फेरों के लिए चलेंगी, लाइक एक फेरे या फिर दो फेरों के लिए इन गाड़ियों को रेलवे चलाएगी, क्योंकि यहाँ पर रेलवे नेटवर्क में उतनी जगह नहीं है कि इन 342 एक्स्ट्रा गाड़ियों को उसी ट्रैक पर चलाया जाए जिस ट्रैक पर ऑलरेडी जो बहुत सारी गाड़ियां हैं उनका लोड है। तो ऐसे में लगातार इन गाड़ियों को चलाकर रेलवे अपने नेटवर्क को और भी ज्यादा कंजेस्टेड तो नहीं करेगी, लेकिन यहाँ पर गणपति महोत्सव को ध्यान में रखते हुए यात्रियों को एक बेहतर सुविधा देने के लिए, उनकी जो यात्रा है उसको आसान करने के लिए ये जो 342 गाड़ियां हैं इनको रेलवे जरूर चलाने वाली है। और इसको लेकर जो पूरा रूट लिस्ट है वो भी रेलवे की तरफ से बहुत जल्दी जारी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर गणपति महोत्सव आने वाले 7 सितंबर से शुरू हो जाएगा। बाकी इस बार सभी को उम्मीद था इस गणपति महोत्सव में 300 स्पेशल गाड़ियों को रेलवे चलाएगी, लेकिन यहाँ पर रेलवे ने पहले ही भीड़ को देख लिया है और यहाँ पर भीड़ को मद्देनजर रखते हुए 300 से इन गाड़ियों की संख्या बढ़ाकर 342 कर दिया है, क्योंकि रेलवे को अच्छी तरह से पता है कि अगर भीड़ को कंट्रोल करना है तो गाड़ियों की जो बड़ी खेप है उसको उतारना होगा। एंड इसीलिए नई गाड़ियों का एक बड़ा खेप जिसमें 342 गाड़ियां होंगी इनको रेलवे उतार रही है भीड़ को कंट्रोल करने के लिए। एंड होपफुली ये जो 342 गाड़ियां हैं वो आने वाले गणपति महोत्सव में जो श्रद्धालु हैं, जो भक्त हैं, उनकी यात्रा को काफी हद तक आसान कर देगी। बाकी इसको लेकर जैसे ही आगे ट्रेनों का
का जो पूरा लिस्ट है ट्रेन नंबर वगैरह के साथ वो रेलवे जैसे ही रिलीज करती है तो मैं आपको फिर से एक डेडिकेटेड वीडियो में अपडेट कर दूंगा या फिर कम्युनिटी में मैं एक पोस्ट कर दूंगा जिसमें गाड़ियों का जो पूरा ट्रेन लिस्ट है वो आपको इजीली देखने को मिल जाएगा। बाकी गणपति महोत्सव को ध्यान में रखते हुए भारतीय रेलवे ने श्री अश्विनी वैष्णव जी ने जो बड़ा फैसला लिया है, बड़ा ऐलान किया है, ये आप सभी को कैसा लगा मुझे कमेंट में बताइए। एंड यहाँ पर देश में और कौन कौन से रूट हैं जिन पर स्पेशल गाड़ी चलाने की नीड है, काफी ज्यादा भीड़ की समस्या बनी रहती है, इसके ऊपर भी आपका जो कमेंट है, आपका जो थॉट है वो मैं जरूर जानना चाहूंगा कमेंट सेक्शन में। बाकी दोस्तों यही था 342 गाड़ियों का अपडेट, उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आया होगा। बाकी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मैं मिलता हूँ आपसे किसी और नए वीडियो किसी नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।